उनके विचार तो बिल्कुल क्लियर थे, किस क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं जैसे इंग्लिश में उसको, उनके वो उनको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंट्री के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि कंट्री के लिए सबको पता लग गया है कि सेमीकंडक्टर्स इज फाउंडेशन फॉर एवरी इंडस्ट्री। और उन्होंने जिक्र भी करता है इस बात का कि जैसे कोविड आया था तो वैक्सीन कैसे जल्दी बन गई इज थैंक्स टू सेमी कंडक्टर्स। सो वो इस बात को पूरा समझते हैं कि सेमी कंडक्टर्स का डिफेंस के लिए, फॉर एप्लीकेशन, फॉर ऑटोमोटिव, फॉर मोबाइल डिवाइसेस, फॉर ऑल डिवाइसेस, एवरीवेयर सेमी कंडक्टर तो सबका फाउंडेशन है। मगर अब जैसे कोविड हुआ था उसके बाद में ये भी पता लग गया कि ह्यूमैनिटी के लिए सेमी कंडक्टर बहुत ज़रूरी है। सो बहुत ही क्लियर है उनका विजन, उनकी नॉलेज, उनका स्कोप इस बातों में बिल्कुल साफ है। सो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ही है, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, उसका मतलब है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है इंडस्ट्री वर्ल्ड के लिए। दैट इज़ वन रीज़न। सेकंड रीज़न जो है बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और सब लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए बड़ा आसान हो जाता है बिजनेस करना। और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत फ़ायदा है कि इंटरनेशनल लॉस की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। तो इंडिया कैन बी द ट्रस्टेड पार्टनर, तो ट्रस्टेड पार्टनर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी एंड कंप्लायंस को इंटरनेशनल लॉ। देखो मैं किसी भी देश से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना आप सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े कंट्री हैं, इंडिया से बहुत बड़ा कंट्री है हमारा। तो हम आप देखो छोटे छोटे कंट्रीज ने कितनी तरक्की कर ली है, साउथ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, ताइवान छोटा सा रीजन है, अगर उन्होंने इतने बड़े पावर हाउस बना लिए हैं तो आप देखो कि हम तो बहुत बड़े कंट्री हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते जो छोटे छोटे कंट्रियों ने करा है। सो ऐसे देखना चाहिए हमारे को, उसी को नहीं देखोगे एक बड़े कंट्री ने कर लिया है कि छोटे कंट्रियों ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त मदद चल रही है। देखो मैं खुद भी ISM का एडवाइजरी मेंबर हूँ और मेरा आजकल 30% 30% मेरा जो टाइम है डेली का भारत सरकार की सेवा में लगा हुआ है। और उसके अलावा सेमी ने पूरा ये जो सेमीकॉन चलाया है यहाँ पर, और ये एक किस्म का पहली बार ऐसा इतना बड़ा सेमीकॉन हुआ है किसी, जब पहली बार किसी कंट्री में जाते हैं, दिस इज़ ए अनप्रेसिडेंटेड, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, मगर अनप्रेसिडेंटेड इज़ द वर्ड। और सेमी ने पूरी ताकत लगाई है कि सारा इकोसिस्टम के सब मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं हिंदुस्तान में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंडस्ट्री।